बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज हम काले मसाले वाली चिकन बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं एक मुर्गी, उसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये देखें, और चार दरमियाने साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच साबित काली मिर्च और 1 चम्मच साबित ज़ीरा, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 10-11 साबित लाल मिर्च, 1/2 कप हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/2 कप के बराबर। अब इसमें प्याज डालेंगे, और साबित लाल मिर्च डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें, गोल्डन होने पे आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, ऑयल से अलग कर लेंगे। ये देखिए, सारा निकल चुका है। बीसी ऑयल में छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और 2-3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखें, ब्राउन होने पे आ गया है। अब इसमें चिकन डालेंगे, अब इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें, आप अपने अंदाज से डाल सकती हैं नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जब तक हो रहा है इतने देर में हम प्याज ब्लेंड कर लेते हैं। फ्राई किया हुआ प्याज और मिर्च जो था उसे थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, पेस्ट बन चुका है। अब इसे चिकन में डालेंगे। ये सारे चिकन में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाल के इसे ढककर पकाएंगे गल जाने तक। ढककर पकाएंगे इसे, चेक कर लेते हैं हुआ या नहीं। इसमें अभी थोड़ा कसर है, ये पक रहा है। इतनी देर में हम मसाला भून लेते हैं, साबित धनिया, साबित काली मिर्च और ज़ीरा, तीनों को भून लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे खूब अच्छी तरह से भुनेंगे। ये देखिए भुना चुका है, अभी इसे चॉपर में डाल के पाउडर बना लेंगे। खूब अच्छी तरह से पाउडर बनाएंगे। देखिए पाउडर बन चुका है, चिकन में 1 गिलास, आधा गिलास पानी डालेंगे ताकि इसका गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी बन जाए। ये बिल्कुल गल चुका है, अब इसमें काला मसाला डालेंगे। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, और ताकि इसका खुशबू और जायका चिकन में बस जाए अच्छी तरह से काले मसाले का। ये 2-3 मिनट हो चुका है, ये देखें ये तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करेंगे। देखिए कितने मज़े का लग रहा है, इस तरह से आप भी चिकन बनाएं आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। इसका ये जो गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है, इसे आप गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। वैसे आप नान के साथ भी खा सकती हैं, चपाती पराठे के साथ भी खा सकती हैं, लेकिन तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं, खुश रहें, आबाद रहें। थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे इसके ऊपर। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।